पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने जेल से चिट्ठी लिखी है। दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी ने पिछले साल मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र वासियों को चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और संजय सिंह की रिहा होने के बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री का ये पत्र सामने आया है, जबकि 4 पेज के इस पत्र पर 15 मार्च की तारीख है। इससे ये साफ होता है कि खत केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले लिखा गया था और अब सार्वजनिक तौर पर सामने आया है। मनीष सिसोदिया ने खत में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तारीफ की है। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में शिक्षा क्रांति आई। जिसे आज़ादी के समय सबने लड़ाई लड़ी, वैसे ही हम अच्छी शिक्षा और स्कूल के लिए लड़ रहे हैं। अंग्रेजों की तानाशाही के बाद भी आज़ादी का सपना सच हुआ, वैसे ही एक दिन हर बच्चे को सही और अच्छी शिक्षा मिलेगी। अंग्रेजों को भी अपने सत्ता का बहुत घमंड था। अंग्रेजों ने भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद किया था। अंग्रेजों ने कई सालों तक महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला को भी काफी समय तक जेल में डाला था। ये लोग मेरी प्रेरणा हैं और आप सब मेरी ताकत हैं। विकसित देश होने के लिए अच्छी शिक्षा स्कूल का होना जरूरी है। अब पंजाब शिक्षा क्रांति की खबर पढ़कर सुकून मिलता है। जेल में रहकर मेरा प्यार आप लोगों के लिए और बढ़ा है। मेरी पत्नी का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखा। सीमा आपकी सबकी बात करते हुए भावुक हो जाती हैं। आप सब अपना ख्याल रखिए। पिछले 1 साल में मुझे सबकी बहुत याद आई। सबने बहुत ईमानदारी से मिलकर काम किया। जल्द ही बाहर मिलेंगे। शिक्षा क्रांति जिंदाबाद। लव यू ऑल। अब देखना है कि क्या संजय सिंह की तरह मनीष सिसोदिया को भी जेल से राहत मिलेगी या नहीं।